लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन के बराबर में घंटी वाला बेल वाला आइकॉन दबाकर ओके दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। भारत का टॉप सीक्रेट वेपन काली है, जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान के होश उड़ जाते हैं। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि पाकिस्तान इससे क्यों घबराता है, आइए इससे जुड़ी कुछ बातें जान लेते हैं। कि बिना परछाई वाला हथियार टॉप सीक्रेट वेपन काली दुश्मन के इलाके में दबे पांव ऐसे घुसता है कि उसको न तो दुनिया का कोई रडार ही पकड़ पाता है और न ही कोई इसके कदमों की आहट सुन पाता है। दुश्मन के इलाके में तबाही मचाने के बाद यह वहां अपनी मौजूदगी के सबूत तक नहीं छोड़ता है। भारत का अदृश्य तरंगों वाला यह ब्रह्मास्त्र टॉप सीक्रेट वेपन काली कितना खतरनाक और महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने राष्ट्रहित का हवाला देकर लोकसभा तक में इससे संबंधित कुछ भी जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया था। भारत से ज्यादा काली की चर्चा पाकिस्तान में होती है, क्योंकि जब यह अपना रौद्र रूप धारण करता है तो वह जगदम्बा काली से कम संहारक नहीं होता। आपको शायद ही मालूम हो कि 5 अप्रैल 2012 में पाकिस्तान के कब्जे वाले सियाचिन के ग्यारी सेक्टर में भयानक बर्फीला तूफान आया था और वहां एक ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया था, जिसमें पाकिस्तान आर्मी का बेस कैंप पूरी तरह तबाह हो गया था और उसके करीब 140 सैनिक भी मारे गए थे। पाकिस्तान के रक्षा वैज्ञानिकों का दावा है कि इतना बड़ा पहाड़ तब तक नहीं गिर सकता था जब तक उसको काटा न जाए। उनका शक भारत पर है कि उसने अपने काली वेपन के जरिए इसको काटकर गिराया है। इसको आम जुबान में इस प्रकार समझा जा सकता है कि जिस प्रकार स्कूल के दिनों में बच्चे मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए सूर्य की किरणों से दूर बैठकर कागज के टुकड़े को आग से जला देते थे, काली भी कुछ इसी प्रकार का काम करता है। यही कारण है कि पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं भारत इस बार भी इस गोपनीय अस्त्र से ऑपरेशन व्हाइट वॉश की पुनरावृत्ति न कर दे। बताया जाता है कि उस वक्त एयरक्राफ्ट से काली के जरिए ग्लेशियर पर बीम डालकर 300 किलोमीटर प्रति घंटे का तूफान पैदा किया गया था, जबकि पाकिस्तानी सेना का दावा है कि पूरा ग्लेशियर एकदम से पिघल कर नीचे आ गिरा, जो आमतौर पर नहीं होता है और ना ही हो सकता है। बहरहाल, टॉप सीक्रेट वेपन काली हवाई जहाज और मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक सर्किट और चिपों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोवेव तरंगों के शक्तिशाली प्रहार से फेल कर सेकेंडों में गिरा सकता है। यही नहीं, इसकी बीम के जरिए यूएवी और सैटेलाइट को भी गिराया जा सकता है। भारत गोपनीय तरीके से वर्ष 1989 यानी 1989 से टॉप सीक्रेट वेपन काली मिशन पर अनुसंधान रिसर्च कर रहा है। वर्ष 1985 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर आर चिदंबरम ने इसकी योजना बनाई थी। डीआरडीओ इस मिशन में बार्क के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस सीक्रेट योजना के तहत जिस सीक्रेट वेपन को बनाने की कोशिश की जा रही है उसका नाम है काली, जिसे किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर काली एसिलिरेटर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बदलकर हाई एनर्जी वाली तरंगों में
बदल देता है। हम आपको बता दें कि यह टॉप सीक्रेट वेपन काली लेजर गन नहीं है, जैसा कि लोगों को भ्रम है। यह हाई पावर माइक्रोवेव गन है जो 200 गीगावाट ऊर्जा पैदा कर सकता है। इसके कुछ प्रोटोटाइप तैयार किए जा चुके हैं, लेकिन पूरी हथियार प्रणाली का विकास अभी भी जारी है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव हम तक पहुंचाएं। धन्यवाद।